ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राजस्थान में हड़कंप मच गया क्योंकि ईडी की टीम एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने पहुंच गई। पेपर लीक मामले को लेकर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई, जब एक मंत्री के घर ईडी की टीम पहुंच गई और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के बेहद करीबियों के घर तक ईडी की जांच की आंच पहुंच गई। दिनेश कुड़निया से भी उनके ठिकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और पूछताछ की गई। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेता दिनेश कुड़निया तक पहुंची ईडी। कुड़निया के करीबी अशोक जैन के घर पर भी छापा। राजस्थान के चुनावी मौसम में ईडी की कार्रवाई ने प्रदेश के माहौल को गर्म कर दिया है। पेपर लीक मामले में ईडी ने जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर समेत करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कांग्रेस नेता दिनेश कुड़निया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन का नाम भी शामिल है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की छापेमारी को मंत्री खाशियावास ने राजनीति से प्रेरित बताया। देखिए, इलेक्शन चल रहा है, ये सब कार्रवाई होगी, कांग्रेस तैयार है और इस तरह की कार्रवाई के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई से जनता ये समझ गई, जनता में अब एजेंसियों की सीरियसनेस खत्म हो रही है। लोग समझ गए जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है, तो आप कांग्रेस को इस तरह से दबाना चाहते हैं। कांग्रेस दबने वाली नहीं है और जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस की विन तय, 100% कांग्रेस जीतेगी। ईडी ने पेपर लीक के इनामी सरगना सुरेश ढाका को अंडरग्राउंड करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप झेलने वाली आरएलपी विंग की महिला अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ईडी स्पर्धा चौधरी के करीबी नरेश खैरवा और पूर्ण जवेलिया के घर में भी तलाशी लेने पहुंची, जिसके लिए चौसला और कुड़ी गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि स्पर्धा चौधरी 2018 तक कांग्रेस में थी और प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रही। 2018 में कांग्रेस ने निष्कासित किया तो आरएलपी का दामन थामा। मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान मेनवाल से भी कहना चाहूंगा, जरा जल्दी से जल्दी इस स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से हटाए, वरना आपका करेक्टर भी कलंकित हो जाएगा। राजस्थान में पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके पिछले 4 साल में करीब 12 से ज्यादा पेपर लीक के मामले आ चुके हैं, लेकिन ईडी के ताबड़तोड़ छापे इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में और सफेदपोश चेहरे जग जाहिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और अब एक नजर प्राइम 25 पर।